सी आ रहा जी, इन एन एसी सर्किट वी एंड आई आर गिवन, वी इज इक्वल टू 100 साइन 100 टी, आई इज इक्वल टू 100 साइन 100 टी प्लस पाई बाय 3। पावर का फार्मूला क्या होता है जी? हाँ जी सुबोध जी। पावर डी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वेयर बाय आर, ए सी होता है वी नॉट आई नॉट बाय वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, वी नॉट आई नॉट बाय 2 cos φ। यह होता है जी फार्मूला वी आर एम एस आई आर एम एस cos φ। ठीक है जी, वी आर एम एस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं जी? वी आर एम एस की वैल्यू, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू जेड। आई आर एम एस इंटू जेड कह सकता हूँ जी। कॉस फाई का फार्मूला आर बाय जेड, जेड से जेड कट गया, आई स्क्वेयर आर एम एस इंटू आर भी हो जाता है जी। ठीक है जी, आई आर एम एस का फार्मूला। हाँ जी खड़े रहना 15-20 मिनट, इधर को खड़े, सॉरी इधर को, एक उधर खड़ जाओ एक इधर। टाइम 5 बजे आ जाओ, 5-7 तक आ जाओ, क्योंकि 5:15 सर मैम ये पढ़ा मुझे सर आपने बोला सर क्लास में नहीं मैंने क्या बोला? पढ़ा सर आपने नहीं बोला आप अपनी आज 11th वाले भी खा रहे, कुछ मैसेज होता है, यहाँ खड़े हो जाओ बस, एक दवाई इधर मेरे खड़ो, एक दो उधर ही खड़े रहेंगे। पास पानी भी खराब हो गया चलो सर। बैठ जाओ, आज तो बैठ जी, बैठ जी। हाँ जी देखो जी, पावर का फार्मूला, पावर का फार्मूला आई नो वी नॉट आई नॉट बाय 2 cos φ यहाँ पर लग सकता है इसमें। तो वैसे पावर के 6, 5, 6 फार्मूले लिखवाए थे उस दिन, पावर की डेरिवेशन कराई थी। तो असाइनमेंट डिस्कस हो रही है जी, क्लास रूम 1 CR1, जल्दी से निकाल लो फटाफट। इन एन एसी सर्किट वी आई आर वी एंड आई आर गिवन बाय 100 sin 100 t वोल्ट्स, आई इज इक्वल टू 100 sin 100 t प्लस 5/3 मिली एम्पियर। ये मिली का रोल है जी यहाँ पर। पावर क्या हो जाएगी? 100 इंटू आई नॉट कितना है जी? 100 इंटू मिली के लिए 10 की पावर -3, और पाई बाय थ्री क्या है मेरा? फेज एंगल। पाई बाय थ्री का मतलब cos 60। ये माइनस से माइनस कट गया, ये 100 आ गया जी। इसमें जो ये वाला 100 होगा ये आई नॉट वैल्यू नहीं होगा, है भाई, आई नॉट नहीं होगा ये जो 100 है। ये मिली एम्पियर में ना, तो आई नॉट भी मिली एम्पियर में होगा। नहीं वैसे तो आई नॉट है ना ये, बट यहाँ पे फॉर्मूले में तो आई आर एम इसका स्क्वायर लिया है। ये रहा भाई फार्मूला। ओके अब आर तो गिवन ही नहीं है मेरे पास, कहाँ से लगाऊंगा? फार्मूले कई सारे हैं, मैं ये दूसरा फार्मूला, फिर ये तीसरा फार्मूला आ गया, और भी फार्मूले हैं। तो वी नॉट 100 है, आई नॉट क्या है? 100 × 10 की पावर -3, cos 60 क्या है जी? 1/2, ये 5 आ गए जी। डी आंसर आ रहा है। किसी किस कितना आ रहा था मनी भाई तेरा? कोई ये कैसे बना? मैंने कोई गलती तो नहीं करी? हाँ 2 भी आना था, 2.5। ठीक है जी,
वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव की वैल्यू 1/2 थी, ठीक है जी, बाय टू। पहला फार्मूला लगा जी, ये ड्राइव भी कराया हमने, पहला फार्मूला, ये डेरिवेशन हुई है जी लास्ट टू लास्ट क्लास में। जी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन है आज, रशजोत जी बस एक बार ज्वाइन करते हैं और फिर चले जाते हैं, बस इनके भी घर फोन करना। ऑल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर बिकॉज, बी ऑप्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ, क्योंकि एसी डीसी जो है वो, हाँ इस बार है, हाँ जी, डीसी में एवरेज वैल्यू मेजर होती है, डीसी एमीटर क्या मेजर करते हैं भाई, एवरेज वैल्यू। एसी एमीटर आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं, एसी एमीटर क्या मेजर करते हैं जी, याद रखना जी, ये एवरेज वैल्यू मेजर करते हैं, और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल क्या होती है जी, चलें आगे जी। लो जी ये करके दिखाओ फटाफट, देखें कौन करेगा ये ऑप्शन, बाकी ऑप्शन है डी, बाकी है बी, बी तो हो ही नहीं सकता जी। देखो जी अभी बताया पावर का फार्मूला, बी नॉट आई नॉट बाय टू कॉस फाई था, फिर उसको कन्वर्ट करें तो ये वी नॉट बाय रूट टू लिख सकता हूँ, आई नॉट बाय रूट टू कॉस फाई, तो ये वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, फिर कॉस फाइव की वैल्यू मैंने आपको बताया इम्पीडेंस ट्रायंगल से, कॉस फाइव की वैल्यू क्या होती है, आर बाय जेड, कॉस फाइव से इम्पीडेंस ट्रायंगल की वैल्यू क्या होती है जी, आर बाय जेड। कल याद रखना 12 बजे मैग्नेटिक इफेक्ट्स की क्लास है, 1 बजे आपकी जेई का पेपर डिस्कस कर देंगे पिछला, 1 बजे तक यही कब था, यही क्या था, अब की बार नीट के बाद, ठीक है जी, नीट का पेपर डिस्कस हुआ। तेरे तो वो 12 बजे उठने का नहीं पड़ा, क्लास 1 बजे 12 बजे से होता हाँ, तो 1 बजे आ जाओगे, ठीक है जी, ये है कि पेपर डिस्कस करने भी जरूरी है जी, जो हुए हैं थोड़ा सा उसमें से तैयारी हो जाती है आपकी। हाँ जी, इसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो है उसमें, पर फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए कंपलसरी कर दूंगा मैं उसमें, क्योंकि उसमें बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे ना, एनसीईआरटी से निकाले गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है जी, जेई का पेपर की डिस्कशन की रिकॉर्डिंग मैं पूछता हूँ कौन से पेपर लिए, रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, क्लास में हमने सर आगे टिक करा था तो वही नहीं थी, हुई नहीं थी, हाँ वही तो वही मिल गए, वो अमित सर ने क्लास की थी, अमित सर ने क्लास की क्लास हो गई थी जेई में। अच्छा चलो ठीक है जी, बताते हैं फिर पावर के फार्मूले देख रहे थे, कॉस फाइव में क्या आ गया, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव क्या होगा, आर बाई जेड, वी आर एम एस आई आर एम एस निकालना है तो देखो जी इसमें ई है ना, आई आर एम एस को क्या लिख सकता हूँ जी, वी आर एम एस बाय जेड, तो वी स्केयर आर एम एस आर बाय जेड स्केयर,
वी स्क्वेयर आर बाय जेड स्क्वेयर, जेड की वैल्यू क्या है जी, वी स्क्वेयर की जगह ई स्क्वेयर लिखा हुआ है, आर जेड का फार्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वेयर, और इस रूट का स्क्वेयर, रूट का स्क्वेयर करेंगे तो ये कैंसिल हो गया जी, तो ए ऑप्शन बन गया। नीचे वाले में अंडर रूट है, नीचे वाले में क्या है जी, अंडर रूट है, इसलिए एक पावर का फार्मूला और था बस, आई स्क्वेयर आर एम एस, ये सारे लिखवाए हुए हैं जी, आई स्क्वेयर आर एम एस इंटू आर। 1 2 3 4 5 6 अब भाई पावर के फार्मूले याद है, अप्लाई करना कैसे भी आ सकते हैं। संडे को भी एसी का टेस्ट भी, चलो उसमें तो आपका एसी टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा टेस्ट है जी इस संडे आपका, जो सुबह वाले बैच में आते हैं 9 बजे, 2 बजे वहां आ सकते हैं अगर वहां नहीं पहुंच पा रहे, पर आप आए नहीं भाई उस दिन, दीपक और योगेंद्र तो वहीं आ गए थे। हाँ एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ आरएमएस वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग करंट जिसकी आरएमएस वैल्यू क्या है जी, 10, पास थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, दो जी वी आर एम एस निकाल सकता हूँ, एस वी आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस इंटू आर, 10 इंटू 12 कितना हो गया जी, 120, पीक वैल्यू क्या होती है जी, √2 इंटू वी आर एम एस, 90 हो नहीं सकता, 20 हो नहीं सकता, होने को नन ऑफ दीज हो सकता है जी, कैलकुलेट कर लेना, yes. ठीक है जी, सी बन गया। हाँ जी सैटरडे को स्कूल तो नहीं है, केशव एंड सार्थक जी आपका, स्कूल है सर, सैटरडे स्कूल है। हाँ स्कूल है, ठीक है जी, चलो या तो टेस्ट ही रख देंगे उस दिन, क्लास ही रखेंगे सैटरडे को, सुबह सुबह आपका शाम को भेज दूंगा जी, और पुराने जो टेस्ट रह गए हैं आपके ईएमआई वो भी मैं भेजता हूँ जी। सर एक बार भेज दीजिए सर पुराने टेस्ट। हाँ जी जी मैं भेजता हूँ जी। हाँ जी अगला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से फटाफट, सारे ऑनलाइन वाले भी आंसर भेजे, सी ऑप्शन, ये तो कई बार कराया मैंने। हाँ ऑप्शन जी 220 वोल्ट पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट एसी सप्लाई, एसी सप्लाई का मतलब होता है वी आर एम एस, पीक वैल्यू का फार्मूला वी नॉट इज इक्वल टू √2 टाइम वी आर एम एस, ये लास्ट क्लास में डाउट पूछा गया था, डी आंसर आया था। चलें जी आगे, फार्मूला लगा सकते हो टाइम पीरियड का, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 0 से मैक्सिमम जाने में कितना टाइम लगता है जी, T/4, 0 से मैक्सिमम जाने में कितना टाइम लगता है जी, T/4, ठीक है जी। तो यहां पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट आ जाओ,
पावर का फार्मूला कई बार बता चुका हूँ। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड टू अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, करंट इन लीड्स ईएमएफ बाय पाई बाय टू। थ्योरी के क्वेश्चन है, पिछला भी थ्योरी का था, ई नॉट आई नॉट बाय टू कॉस फाइव, पावर का फार्मूला भी बताया कई बार, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये भी कैपेसिटर में करंट लीड्स ईएमएफ बाय पाई बाय टू। हैरान होने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप खड़े रहोगे तब भी कोई ना कोई आपको आगे, आपसे आगे निकल जाए। अगर आप जिंदगी में कुछ कर नहीं रहे तब भी आप पीछे ही जा रहे हो, कोई ना कोई तो कुछ आगे जा रहा है। करने देते सर पीछे जाएंगे ऋषभ भाई, अगला क्वेश्चन बताओ भाई। हाँ जी, या करंट ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज फ्लोइंग इन अ सर्किट कंटेनिंग अ रेजिस्टेंस आर एंड अ चौक ऑफ लेंथ चौक ऑफ एल। मतलब चौक कॉइल मैंने आपको पहले ही बताया इंडक्टर होता है जी, चौक कॉइल क्या होता है जी, इंडक्टर। कहीं चौक कॉइल आ जाए तो याद रखना वो इंडक्टेंस ही होगा उसके साथ रिलेट। तो एक तरह से आर एल सर्किट बन गया। आर एल सर्किट में इंपीडेंस का फार्मूला क्या होता है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। एक्सएल क्या होता है जी, टू बाय एफ एल। तो बी आंसर है, नोट कर लो जी जल्दी से। हो गया जी। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस आर इंडक्टेंस एल। If the potential drop across R is इतना, inductance is इतना, applied voltage क्या होगा? Applied voltage addition तो नहीं होगा जी, under root R V R square plus V L square, 200 का square plus 15 का square बी ऑप्शन बनेगा जी, 625002502050। सिंपल ऐड नहीं होता जी, इनके बीच में फेज डिफरेंस होता है, रेजिस्टेंस की वोल्टेज इधर जा रही है, इंडक्टर की वोल्टेज वीएल ऊपर की तरफ जाती है जी, आपस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री है। तो वेक्टर में क्या होता है, रिजल्टेंट का फार्मूला अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, वही सेम यहां लग जाएगा जी। हाँ जी बताओ जी अगला। ये आ गया, हाँ जी बाकी हरजोत जी, ये कैसा सर्किट है? है
आर एल सी है, आर एल है, आर सी है, रेजोनेंस सर्किट है, कैसे सर्किट? आर एल सी रेजोनेंस में है कि नहीं? व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस? हाँ जी विनय भाई, लास्ट क्लास में उसी पे गाना इतना बजाया था, हमको याद तो रखता नहीं भाई। एक्सेल एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी, ये एक्सएल दिया हुआ 10, एक्स सी भी दे रखा है जी 10, तो इसका तो कोई रोल है नहीं। तो ये कंप्लीटली क्या हो गया भाई? रेजोनेंस सर्किट क्या होता है जी? रेजिस्टिव सर्किट होता है एक तरह से। क्या होता है जी? रेजिस्टिव सर्किट, जेड उसमें आर के बराबर हो जाता है। ये देख लो जी, एक्सएल भी 10 है, एक्सी भी 10 है, तो दोनों बराबर हैं। बराबर है तो रेजोनेंस, रेजोनेंस है तो पीक करंट आप निकाल सकते हो। पीक करंट क्या आ जाएगा? ई नॉट बाय आर, 300√2/30, तो ये आ गया 10। आई नॉट क्या आ गया जी? 10√2। आई आर एम एस क्या आ जाएगा? आई नॉट बाय 10√2। करंट पूछा इन द सर्किट, मतलब आई आर एम एस पूछा जी, पीक वैल्यू नहीं पूछी जी। पीक वैल्यू 10√2 आना था, ये बी आंसर है। रहने जी, अगला देखो जी। बताओ जी क्या रहेगा? हाँ जी ऋषभ भाई, कौन से सर्किट है ये बोला? रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, आर एल सी? ये तो सर्किट ही नहीं है सर, ये तो हो रहा है। ये मनी भाई कह रहा था शायद। हाँ भाई, सेक्शन कौन से सर्किट है भाई? क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दी हुई है, इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, और कुछ है ही नहीं भाई, कैपेसिटिव सर्किट है। थोड़ा भाई ध्यान से पढ़ लो, 1 माइक्रो फेरेड दे रखा है कैपेसिटर। कैपेसिटर का फार्मूला आदित्य जी, एक्सी का 1/ω C या 2π Fc ω दे रखा है। 100, ओमेगा की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? 100। एक्सी क्या आ जाएगा? 100 × 10⁶ माइक्रो का मतलब 10⁻¹, ये -4। एक्सी ऊपर जाके क्या आ गया जी? 10⁴ ओम। करंट का फार्मूला आई नॉट निकलेगा पहले, आई नॉट क्या आएगा जी? 200√2/10⁴। ये कट गया जी, 2 आ गया, 20√2 mA आ गया जी। एम मीटर में जो रीडिंग होती है मैंने पहले ही बता दिया, एसी एम मीटर क्या मेजर करता है जी? तो आई आई नॉट आ चुका है, आई आर एम एस क्या आ जाएगा जी? आई नॉट बाय √2, 20√2/√2, √2 से √2 कैंसिल, 20 mA। थोड़ा सा जान लगा दो जी, संडे वाली क्लास में पहले चैप्टर तैयार कर लो, 12 बजे आके चौथा चैप्टर रिवाइज कर लो, ठीक है जी?
बाकी अपना ये 6th 7th के क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा ही, 2 4 दिन तैयारी अच्छी तरह हो ही जाएगी इसकी। अभी 6th की असाइनमेंट भी दोबारा डिस्कस करूंगा, दो रह गई हैं ट्रांसफॉर्मर की और SL के क्वेश्चन करो ट्रांसफॉर्मर AC जनरेटर के। नीट में तो पक्का आता है क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर का, पक्का तो आपको ही करना है ना भाई। लो जी ये हमारा EMI का क्वेश्चन है, देखते कौन करके दिखाएगा पिछले चैप्टर का। हाँ भी मनी भाई कर दो। आप तो यार 3 3 4 4 लेक्चर लगाते हैं बीच में, सर और एक मम्मी एक कहती भी है कि लेक्चर सुबह से बंदा निकला हुआ है ट्यूशन के लिए। नहीं। हाँ जी अंशु जी बताओ आप। सर सब हाँ जी आपने हाथ खड़ा करा अंशु जी, कुछ बता रहे हैं कि क्या सी आंसर है, कैसे हुआ ये भी एक्सप्लेन कर दो। तो देख फोन में असाइनमेंट है उसमें सारे आंसर दे रखे हैं। के बी दिया हुआ है जी, आर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड विच फॉर्म्स अ डायमीटर ऑफ द कॉयल, इफ द कॉयल रोटेट्स, म्यू दे रखा है जी, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, ई नॉट का फार्मूला कई बार बता दिया, एन बी ए ओमेगा पिछले चैप्टर में, एन गिवन नहीं है कोई टर्न नहीं है, बी 10^-2 एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर क्या होगा जी, 30 × 10^-2 का होल स्क्वायर, ओमेगा क्या है जी, एरिया आ गया ओमेगा हमारा, टू बाय न्यू, न्यू कितना है जी 200 RPM/60 हो जाएगा, तो ये 2 0 तो ये कट गए जी, इससे ज्यादा उधर हो गया है ना जी, 10^-2 π × 900 × 10^-4 × 2 π × 200/60, 1 0 1 0 से कट गए, 2 0 ये 2 0 से कट गए, -3 हो गया जी, 6 से 6 भी कट जाएगा, 3 2 जा 6, 6 π² × 10^-3, करंट निकालना है जी, करंट क्या आता है ई नॉट बाय आर, आर कितना है जी π² से π² कैंसिल हो गया, आई नॉट क्या है जी 6 mA, आई नॉट क्या है जी 6 mA, ठीक जी चले आगे। एन इंडक्टिव सर्किट कंटेन्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, आर 10 ओम है, इंडक्टेंस 2 हेनरी है, एल 2 हेनरी है, एसी वोल्टेज, वोल्टेज कितना है जी 120 वोल्ट है,
फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, द करंट इन द सर्किट नियरली, करंट आए जी कैसे करेंगे, वी जेड बाय जेड, जेड का फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट आर स्केयर प्लस एक्सएल का स्केयर, एक्सएल क्या है जी, मेगल, आर आपको 10 दे रखा है, मेगा एल क्या आएगा जी, बाय 2 पाए न्यू एल, 2 × 22/7 न्यू 60 L2, वैल्यूज डाल लो जी, आंसर आ जाएगा जी। ठीक है जी, कैलकुलेशन है जी थोड़ी सी, हो जाएगी जी। नेक्स्ट वीक ईएम वेव करा दूंगा जी मैं, 8th चैप्टर, रे ऑप्टिक्स किस किस के आ रहा है जी, 1 2 आपके नहीं आ रहा सूरज जी, गवर्नमेंट स्कूल में सभी का सेम पेपर नहीं इस बार, ए ऑप्शन आ रहा जी, चेक करना पड़ेगा जी तो कैलकुलेशन। कैलकुलेट करके बी आ रहा है जी, जेड की वैल्यू आ रही है 753.7, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाओ जी, इन एल आर सर्किट द वैल्यू ऑफ एल, एल का वैल्यू दे रखा है 0.4 बाय पाई हेनरी, आर का वैल्यू क्या दे रखा है जी, 30 ओम, इफ इन द सर्किट एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ 220 वोल्ट की है, फ्रीक्वेंसी कितना है जी, 50 साइकिल पर सेकंड, 50 साइकिल्स पर सेकंड, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इन अ एल आर सर्किट द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू क्या है 0.4 बाय पाई हेनरी, एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इज 30 ओम। ठीक है जी, इम्पीडेंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्केयर प्लस ओमेगा एल का होल स्केयर, ओमेगा एल क्या आएगा भाई, 2 पाई × 0.4 बाय पाई, ये कितना जी, 50 पाई से पाई कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, डी आ रहा जी 40, तो ये जेड 50 आ जाएगा, क्योंकि आर 30 है ये 40 है, तो जेड क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, जेड 50 आ गया जी, और आई आर एम एस क्या आ गया जी, ओमेगा एल 40 जेड 50 आ गया। ठीक है जी, आई आर एम एस क्या आ जाएगा, 200 बाय 50,
4 एम्पियर। नैना जी क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला ये ऑप्शन ए ऑप्शन। ठीक है जी, क्वालिटी फैक्टर के कई फार्मूले हैं। वीएल बाय वीआर भी होता है, तो वी एल बाय वी आर से क्या हो गया, आई नॉट एक्सएल बाय आई नॉट आर। आई नॉट से आई नॉट कट गया, एक्सएल का फार्मूला क्या होता है, मेगा एल बाय, करने को इसमें वी सी बाय वी आर भी हो सकता था जी। ठीक है जी, वी सी का फार्मूला क्या होगा, आई नॉट एक्स सी बाय आई नॉट आर। आई नॉट से आई नॉट कट गया, एक्स सी क्या हो जाएगा, ठीक वन बाय मेगा सी इंटू आर। ये भी फार्मूला। एक और कराया था, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बाय बैंड विड्थ। ठीक है जी, एक और फार्मूला था क्यू वेक्टर का, वन बाय आर अंडर रूट एल बाय सी। बहुत सारे फार्मूले हैं जी, आपको याद रखने हैं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, 17। इन एन एसी सर्किट रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज रूट थ्री टाइम द इट्स रेजिस्टेंस फेज डिफरेंस। ये ए दिया टेन फाइव इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर। एक्सएल क्या होता है जी, थ्री टाइम्स दे रखा है, रूट थ्री टाइम्स आर। है टेन फाइव कितना आ गया जी, रूट थ्री। धन है जी, बताओ जी अगला फटाफट। रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल यूज्ड इन अ डोमेस्टिक एसी पावर सप्लाई इज इतना, 50 ओम। इंडक्टेंस क्या हो जाएगा जी, एल निकालना है। रिएक्टेंस का मतलब एक्सएल दे रखा है, एक्सएल इज 50 ओम। वी आर एम एस गिवन है 220, उसका कोई काम नहीं है, पर फ्रीक्वेंसी का काम है 50 हर्ट्ज कह लो या 50 साइकिल पर सेकेंड। ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल, एल निकालना है। हाँ जी डी आर है जी, चेक कर लेते हैं जी। 50 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 50 इंटू एल, 50 से 50 कट गया, एल इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई 1 अपॉन 6.28। सॉल्व करना पड़ेगा जी, इसके बाद क्या आएगा जी, चेक कर। ए ऑप्शन तो बनेगा नहीं, बी सी भी नहीं बन सकता, बचे दो बी और डी में सी बनेंगे, 1 से छोटा आएगा ना जी। ठीक है जी, ठीक डी आर है। है डी आएगा, 2 पे तो जाने रहा जी। ठीक है 14th का आंसर नहीं आ रहा,
कैलकुलेट करके देखना मेरे कैलकुलेट से। आर जेड आया था 753 मेरा, जो मैंने सोल्यूशन देख के बताया था वो जेड था 753। एक्सेल नहीं बताया वो। लो जी होमवर्क असाइनमेंट भी कर ही देते हैं फटाफट, घर पे तो लिंक करते नहीं तो एक आदत तू ही करता है पर नंबर तो नहीं है। अब क्या बताए ज्यादा दूर की मत सोच। हाँ वो भी मेरे को पता है, सुन अब मैं कुछ क्या चाह रहा बहुत डिटेल में बात हुई। वो कह रहे 70% भी नहीं चाहिए, कह रहा है बोर्ड में। मैं कह जी 75% नंबर चाहिए, जेई क्लियर हो गया तो पैक में एडमिशन हो। 90 लेके आएगा ना यहाँ जो सबसे बड़ी। अच्छा वो जेई में आ जाते 90% परसेंटेज तो आ गया सर, परसेंटाइल है वो, परसेंटेज है। हाँ सर हम तो परसेंटेज ही नहीं आ जाएंगे वो भी परसेंटेज जी आगे बताओ जी, ये वाला फटाफट जल्दी से असाइनमेंट मिल गई है ना होमवर्क वाली सभी को है? हाँ जी होमवर्क वाली है कि नहीं? हाँ दी तो थी लास्ट क्लास में। चलिए इसने तो असाइनमेंट ही गायब कर दिया। हाँ जी क्लास में है नहीं? लो जी लो, जिसके पास होमवर्क नहीं है जल्दी बता दो फटाफट। हाँ जी डी आंसर आ रहा है कैसे? पाई 90 डिग्री है। पाई क्या है जी? कॉस 90 क्या होता है जी? जीरो। पावर का फार्मूला वी नॉट आई नॉट बाय टू कॉस फाइव। पाई 90 डिग्री है, ये पाई बाय टू है, ये ओमेगा टी है, तो फेज डिफरेंस पाई बाय टू है, कॉस पाई बाय टू क्या हो जाएगा जी? जीरो। नेक्स्ट आ जाओ जी। इन एन एसी सर्किट ये फिर से सेम ही क्वेश्चन आ गया जी। ये आया तो जी ना यहाँ जीरो ही आएगा वैसे तो इसका भी। ये भी टी आना था यहाँ पर जी, ये जीरो ही बनेगा। द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय हॉट वायर एमीटर इज 10 एम्पियर, व्हाट इज द पीक वैल्यू विल बी? ये IRMS है, पीक वैल्यू निकाल लो जी, सी आ जाएगा जी। पीक वैल्यू क्या होता है? आई नॉट इज इक्वल टू रूट टू IRMS। एसी सर्किट में पावर डेसिपेटेड, ठीक है जी। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट भी कह सकते हो जी। पावर, पावर क्या कह सकते हो जी? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का मल्टीप्लिकेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज 50 साइकिल पर सेकेंड, मतलब 50 हर्ट्ज दे रखा है जी। एम्पलीट्यूड दे रखा है वोल्टेज का वी नॉट, देन वी आर एम एस क्या होगा जी? वी नॉट बाय रूट टू, वी नॉट बाय रूट टू मेरे ख्याल से ये बन जाएगा। 70 भी बन सकता है।
सौ होता तो ये बनता जी, हाँ बी बनेगा जी, सौ होता तो ये बनता जी 70.7, क्योंकि 1/√2 की वैल्यू क्या होती है 0.707, 100 वोल्ट होती तो ये बनता जी, तो बस इससे ऊपर ही बनेगा तो ये आ गया। बड़े आसान आसान क्वेश्चन है भाई। रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू √2 हो जाएगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है जी इसमें, तो पीक वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू √2 पर चला गया। ठीक है जी, चले आगे। बताया था ये मैंने, हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर क्या ऑफर करता है जी, लेस रिएक्टेंस, इंडक्टेंस डोमिनेटिव सर्किट हो जाता है। एक्सी इज इक्वल टू 1/ωc, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सी कम हो जाएगा। हाँ भैया आदित्य, ये तो थ्योरी क्या बता जल्दी से भाई। करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू, सर्किट क्या होता है जी, करंट लैग करता है जो, इंडक्टिव सर्किट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ओमेगा आर का फार्मूला 1/√LC, बस एल और सी की वैल्यू दी हुई है, डाल के सॉल्व कर लेना जी। बताओ जी पावर फैक्टर का फार्मूला, पावर फैक्टर कॉस फाई R by Z, Z का फॉर्मूला √R² + ω² L² की पावर हाफ, बी ऑप्शन। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे भाई इसमें, तो होगी असाइनमेंट ये तो। बताओ जी जल्दी, पावर डेसिपेटेड अभी गिराया, बी ऑप्शन। पावर का फार्मूला अभी निकाला था, E² RMS × R/Z² RL सर्किट है, RL सर्किट में जेड क्या होगा, √R² + ω² L का होल स्केयर, तो जेड का स्केयर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, V² R/R² + ω² L² LCR सर्किट कैपेसिटेंस इज चेंज, नहीं नोट करा तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट, बस काम खत्म है, ये तो 5 मिनट का रह गया, जल्दी छुट्टी हो जाएगी, दोनों टारगेट अचीव हो गए हैं। आगे भी कोई एक आधा ही न्यूमेरिकल है, बाकी तो सारे थ्योरी है। चलो जी 18 ही क्वेश्चन है, बस 7 क्वेश्चन रह गए जी। एलसीएल एलसीएल सर्किट चेंज फ्रॉम C to 2C रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इंडक्टेंस शुड चेंज बाय, अगर फ्रीक्वेंसी सेम रखना है इंडक्टेंस को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, सी बढ़ाओगे तो एल को कम करना पड़ेगा। एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट LR and C कितना है, तो ये तो 0 हो गई जी, वोल्टेज अक्रॉस, ये भी थ्योरी है, अगर तीनों के बराबर है, VL बराबर है VC, तो रेजोनेंस सर्किट हो गया। रेजोनेंस सर्किट का मतलब क्या हुआ जी, नेट इनका इफेक्ट क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन का, 0 वोल्टेज आएगी, ये भी थ्योरी का ही था जी, 14th भी थ्योरी का है, देख सी लेते हैं। LCR सर्किट आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, नीट में था है, इसमें से दिलवाए थे, देख रहे थे ना, मैंने असाइनमेंट तो पहले ही भेज दी थी, तो है।
टेन फाइव का फार्मूला क्या होता है? एक्स एल माइनस एक्स सी करंट लीड्स, ठीक है जी, करंट लीड्स तुम आप ऐसे भी कह सकते हो, एक्स सी माइनस एक्स एल आएगा बाय 45 बाय आर। चलो जी देखते हैं, टेन 45 क्या होता है? वन, तो ये आर हो जाएगा उधर ले जाके, टू पाई एफ कॉमन आ जाएगा एल माइनस, नहीं कॉमन ऐसे नहीं आएगा भाई, ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी, वन बाय ओमेगा सी क्या आ जाएगा जी? टू पाई एफ एल माइनस आर, ठीक है जी, यही बनेगा जी। रेसिप्रोकल हो गए तो ओमेगा सी, ओमेगा मतलब टू पाई एफ, वन बाय टू पाई एफ एल माइनस आर, सी की वैल्यू निकालनी थी, सी क्या हो जाएगा जी? टू पाई एफ नीचे चला जाएगा, टू पाई एफ इंटू टू पाई एफ एल माइनस आर, नोट करें, कर लो कर लो। हाँ जी, बाकियों ने तो स्कूल नहीं जाना जी, सैटरडे स्कूल जाना, चलो टेस्ट दे देना बस साफ बात। शाम को ही रखी मैं, 4 से 6:30 ना टेस्ट सभी का। क्या हुआ? क्यों, कोई नहीं, एनडीए की तैयारी कर लो, चलो एनडीए वालों की छुट्टी कर देंगे, जो एनडीए का पेपर बस एक ही बच्चा दे रहा है, और तो किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा है। चलो नहीं फेज डिफरेंस बिटवीन एसी एंड ईएमएफ इज पाई ओके बाय टू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट द सर्किट? ये ऑप्शन ए ऑप्शन, आर एल ओ सी, इसका तो डी डी आएगा। एल सी में तो ऐसे आ जाएगा ना, फेज आप निकालोगे करंट इधर है, वी एल ऊपर हो जाएगी, वी सी नीचे हो जाएगी, नेट वी एल माइनस वी सी ऊपर आ जाएगा, फेज डिफरेंस फिर भी क्या रहेगा? 90 एल सी में, एल में भी 90 होता है, सी में भी 90 होता है, आर एल में फेज डिफरेंस क्या रहता है जी? फाइव में आ जाता है जी। आर एल में फेज डिफरेंस किस में आ जाता है जी? फाइव। ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर यूजिंग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विद एन इंडक्टर एल एंड कैपेसिटेंस सी इन सीरीज प्रोड्यूस एन ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, इफ एल इज डबल एंड सी इज चेंज टू 4C द फ्रीक्वेंसी, ये एल इज डबल्ड और सी इज 4C, ए ऑप्शन आ जाएगा। एफ आर का फॉर्मूला 1/√ एल सी होता है जी, एफ आर डैश क्या आ जाएगा? 1/8 एल सी आ जाएगा, तो 2√2 आ जाएगा, एफ बाय 2√2। देख लो जी, नोट कर लो फटाफट।
इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द वोल्टेज क्रॉस आर इज 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस इतना है, कैपेसिटेंस इतना दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है ओमेगा, एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस एल क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस एल एक्स ही निकाल लो जी, करंट भी निकालना पड़ेगा, वी आर बाय आर करंट आएगा जी सर्किट में, 100/1000 ओम, 0.1 एम्पियर, एक्स सी क्या हो जाएगा 1/ओमेगा C, 1/2 πμ C, ओमेगा 200 दिया हुआ है, सी 2×10⁻¹, एक्सएल आ जाएगा जी, एक्सएल कितना आ जाएगा, एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं इसमें, तो यहां पर चाहे आप एक्सी निकाल रहे हो पर वो एक्सएल के बराबर ही है क्योंकि रेजोनेंस बोला गया है ना जी, एक्सी क्या आ जाएगा 10⁻⁴ बच जाएगा ऊपर, बाय फोर, 1/4 क्या होता है 2.25, 10⁴ तो ये कितना आ जाएगा 2500, यही आ रहा भाई, फिर भी 2 पॉइंट हटा रहा हूँ तो 2 बचे, ठीक है जी, वी क्या आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आई इंटू एक्सएल जो कि एक्सी के बराबर है, आई है 0.1×2500, 1.1 पॉइंट कट गया, 250 वोल्ट आ गया, ठीक है जी, याद रखना जी रेजोनेंस बोल दिया है तो एक्सएल बराबर है एक्सी, लास्ट है जी जल्दी से निकाल दो फटाफट, इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे रखा है, आर दे रखा है, जेड निकाल लो, जेड का फार्मूला क्या है जी, √R² + XL - XC का होल स्केयर, तो आर क्या है जी 8 का स्केयर 64 + 31 - 25, 6 का स्केयर 36, तो कितना आ गया जी 10, पावर फैक्टर का फार्मूला cos phi R/Z 8/10 कितना हो गया जी 0.80, 0.80, चलो छुट्टी है जी, टारगेट अचीव।